मित्रों जय माता दी, आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, ऐसे में आपने भी सुना होगा कि माँ दुर्गा की जो मूर्ति होती है उसमें वैश्यालय की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि वैश्यालय को हम तो बहुत बुरी दृष्टि से देखते हैं और माँ दुर्गा की मूर्ति बहुत पवित्र होती है, तो इन दोनों में क्या संबंध है? माँ दुर्गा की मूर्ति वैश्यालय की मिट्टी से क्यों बनाई जाती है? ऐसी कैसे मान्यता विकसित हो गई? इसके पीछे तर्क क्या है? बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, इसी कारण मुझे लगा कि मुझे इस विषय पर बोलना चाहिए। तो आप लोगों के समक्ष हमेशा की तरह मैं उपस्थित हो गया। देखिए, वैश्यालय की मिट्टी से माँ दुर्गा की मूर्ति जो बनाई जाती है ये मुख्यतः बंगाल में बनाई जाती है, जो कि पश्चिम बंगाल है और उनके आसपास का जो सटा हुआ एरिया है। लेकिन इसके पीछे जो तथ्य हैं वो कोई ठोस अभी तक मिल नहीं पाए हैं कि किस वजह से ये ऐसा होता है, ना ही शास्त्रों में इसका कोई आधार मिलता है। लेकिन ये चूँकि चलता आ रहा है तो चलता आ रहा है और सभी इसको बस फॉलो करते जा रहे हैं। तो जो चलता आ रहा है उनके पीछे जो तर्क लोगों को पता है वही तर्क मैं आपको आज बताने वाला हूँ। शास्त्रों में इसका मुझे कोई आधार नहीं मिला, अगर आपको मिला हो तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर बताएं ताकि मेरी जानकारी भी बढ़ पाए। हाँ, तो इसका व्यवहारिक आधार क्या है और क्यों चलन में आया, इसके पीछे लोग कई तर्क देते हैं। उन तर्कों पर हम एक एक करके आज विचार करेंगे। पहला तर्क देते हैं कि एक वैश्या थी बहुत पहले, वो माँ दुर्गा की अनन्य भक्त थी। माँ दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम मेरी भक्त हो और तुम्हें लोग बुरे दृष्टि से समाज में देखते हैं, तुम्हारी जाति को भी बुरे दृष्टि से लोग देखते हैं, तो ऐसे में तुम्हारे आंगन की जो मिट्टी होगी उस मिट्टी से मेरी प्रतिमा बनेगी जिससे कि तुम्हारा सम्मान भी बना रहेगा। ये माँ दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। एक मान्यता तो लोगों की ये है। दूसरी मान्यता है जो कि मुझे भी ज़्यादा व्यवहारिक लगी, वो मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति भी वैश्यालय पर जाता है तो बाहर ही अपना सारा पुण्य और अपनी सारी अच्छाई छोड़कर ही अंदर जाता है, क्योंकि बाहर ही उनके आंगन में ही बहुत सारी अच्छाई लोग छोड़ के अंदर चले जाते हैं तो वो जो मिट्टी होती है उनके आंगन की वो पवित्र मिट्टी हो जाती है, तो इस वजह से वो मिट्टी उपयोग में आती है माँ दुर्गा के मूर्ति बनाने के लिए। तीसरी एक और व्यवहारिक कारण है जिसका कि मुझे भी ये भी अच्छा लगा। तीसरा कारण ये बताया जाता है कि इसमें शक्ति की पूजा होती है। शक्ति अर्थात नारी। नारी किसी भी अवस्था में है, वो हो सकता है जो भी काम करे वो अपनी मजबूरी के किन्हीं मजबूरी के वजह से हो सकता है कर रही हो, उनमें कई बार उनकी गलती भी नहीं होती, किसी दूसरे की गलती के कारण वो इस व्यापार में आ जाती हैं और फंस के रह जाती हैं, या जो भी कारण हो शक्ति की पूजा इसमें की जाती है। और शक्ति का एक और एक रूप तो वो है ही, अगर शक्ति नारी जाति वहाँ पे हैं तो हम उसे इनकार नहीं कर सकते। अगर हम सभी अच्छे लोग चाहें तो वो वहाँ पे नहीं रह सकते हैं, हम सभी भी चाहते हैं कहीं ना कहीं तभी वहाँ पे वो भी हैं। तो समाज के लोगों की जिम्मेदारी है एक तो, दूसरी हम माँ शक्ति की जैसे पूजा करते हैं, शक्ति अर्थात स्त्री, स्त्री की पूजा की जाती है, इसमें कन्या भोजन भी जैसा कि होता है, तो स्त्री के हर रूप की पूजा होती है लेकिन उस रूप की पूजा नहीं की जा सकती है, तो ऐसे में उन्हें भी सम्मान मिलना चाहिए। इस वजह से हो सकता है ये चलन में आया हो कि उनके घर से भी मिट्टी आए, उनका भी कुछ योगदान माँ के पूजा अर्चना में हो, इस वजह से हो सकता है ये भी आया हो। तो यहाँ पे मुझे तीन मुख्य कारण मिले जिसके वजह से वेश्या के आंगन की मिट्टी का उपयोग माँ के मूर्ति बनाने में किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ का उपयोग होता है, जैसे पवित्र नदियों की मिट्टी, लेकिन इन सबको आपस में मिला के ही मूर्ति बनाई जाती है। पवित्र नदियों की मूर्ति, गंगा जल, गोबर, गाय का मूत्र, तरह तरह की वनस्पति, घास वगैरह से, जूट से, इन सब के मदद से मूर्ति बनाई जाती है, उसमें एक पार्ट वो भी रहता है। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपको जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर निश्चित तौर पर बताइए, और आप इस विषय में क्या सोचते हैं वो भी निश्चित तौर पर बताइए।
तो इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ मैं फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो देखते रहें धर्म शिक्षा। जय माता दी।